Assalamualaikum, क्या हाल चाल है वेलकम बैक टू एने में सब सब लोग ठीक होंगे फाइनल ईयर पब्जी मोबाइल का न्यू इवेंट आ चुका है एंड इसी के साथ साथ आपका भाई भी गेम में वापिस आ चुका है अब अगर आप लोगों ने ये वाला इवेंट ऑलरेडी खेल लिया तो मुझे कॉमेंट करके बताओ आप लोग इस इवेंट को दस में से कितने नंबर देते हो मैं भी इस इवेंट को रेड करूंगा लेकिन उससे पहले जरा मैं इस इवेंट को खेल लूं ये मेरा इवेंट का पहला गेम होता है एंड पबजी वालों ने भाई एकदम भूल भुलैया टाइप इवेंट बना दिया है कौन सा रास्ता किधर को जाता है कोई पता नहीं होता खैर इधर मैं उतरता हूँ एंड उतरते मुझे एम टू मिलती है साथ ही मेरे बंदे लैंड करते हैं तो जल्दी से जरा इनको फेलते हैं अब इधर मेरे साथ किल्स हो जाते हैं दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है लेकिन इधर होने वाला है मेरे साथ जरा गलत सीन सामने की साइड से मेरे एक बंदा आता है एंड इतने में पीछे की साइड से भी एक बंदा आता है एकदम मैं सैंडविच हो जाता हूँ सामने वाले बंदे को मैं ड्रॉप शॉट मारता हूँ पीछे वाला बंदा मुझे यहाँ पे मार देता है बट कोई बात नहीं इधर आपको मिलता है ऑटो रिकॉल एंड इसके साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा एक एक रिकॉल भी मिल जाता है खैर दोबारा से मैं इवेंट भी आता हूँ एंड अब बार जैसे ही मैं लैंड करता हूँ ना सामने मेरे बंदा होता है अभी तक इस बंदे को डाउन करने के साथ साथ लगे तो फिनिश भी करा देते हैं क्योंकि यार लूट शूट भी तो चाहिए अब मैं लूट कर कर लू, इतने में आप लोग दो वीडियो को लाइक अगर अभी तक लाइक नहीं किया एम करते हैं इस वीडियो के ऊपर पूरे एक लाइक का मतलब आपके एक लाइक का क्योंकि यार आई नो काफी लेट मैंने वीडियो को पोस्ट किया काफी लोग मुझसे नाराज हैं एंड काफी लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि लेते मर वर तो नहीं गए तो देखो यार ऐसा कोई सीन नहीं है मैं जरा अपनी लाइफ में बिजी हो गया था दिन में मुझे दो तीन घंटे का टाइम मिलता था एंड उस टाइम मैं लाइव आ जाया करता था अब जिन लोग को नहीं पता ये मेरा सेकंड चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा इधर मैं डेली दो बजे लाइव आ जाता हूँ तो आप लोग उधर भी ज्वाइन कर लिया करो कह रहा आपका आप भाई वापस आ गया है एंड नेक्स्ट सीजन का भी मैंने कुछ हैवी किस्म का प्लान सोचा है आपका भाई कुछ ऐसा ट्राई करने वाला है जो कि आज तक PUBG मोबाइल कम्युनिटी के अंदर किसी बंदे ने भी नहीं किया वो भी अपनी लाइव स्ट्रीम के ऊपर तो अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे जल्दी जल्दी सेवेंटी के सब्सक्राइबर्स हो जाए कह हमारे गेम प्ले की तरफ ऊपर से एक बंदा लैंड करता है इस बंदे को मैं डाउन करता हूँ एंड लगा तो फिनिश भी करा देता हूँ अब जैसे मैं इसको फिनिश कराता हूँ ना इसके बाकी के दोनों टीम यहाँ पे पुश करने की सोचते हैं इधर आपके भाई का निकलता है वन कर ही रहता हूँ की साइड से मुझे यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज पड़ने वाला है मतलब यार हर इवेंट में ये बंदे अपनी कोई ना कोई स्पेशल जगह ढूंढ ही लेते हैं कि भाई दूर से लेट के आराम से किल्स निकाले खैर इधर मैं हिल वगैरह करता हूँ सामने की साइड से एक बंदा आता है अब लगे तो इस बंदे को फिनिश भी करते हैं एंड गाइस इस इवेंट में हमें तीन तीन रिकॉल मिल जाते हैं जिसमें दो रिकॉल्स ऑटो हैं एंड एक रिकॉल जो आपका टीपेट आपको देता है वो कैसे है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ खैर बढ़ते हैं आगे की साइड पे सामने की साइड पे एक बंदा होता है बात करें अगर इस इवेंट की तो देखो यार बंदे तो इस इवेंट पे बिल्कुल खत्म नहीं होने वाले मेन इसका ये टेंपल है एंड साइड पे इसके कुछ टावर्स हैं टेंपल पे अगर आप लोग उतरते हो ना एंड इसको क्लियर करते हो तो आपको यहाँ पे सेकंड रिकॉल भी देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ काफी लूट भी देखने को मिल जाती है बाकी यार इस टेंपल पर किस तरह से उतरना है एंड कैसे सर्वाइव करना है इस वाली गेम में तो मुझे नहीं पता होता बट इसके बाद जो मैंने लिविक का गेम प्ले एड किया ना उसमें मैंने सारी चीज़ें तसल्ली के साथ बताई हैं तो आप लोग वीडियो को एंड तक लाज भी देखना बढ़ते हैं आगे की साइड पे नीचे की साइड से मुझे दो बंदों के फुटस्टेप आते हैं एक बंदे को मैं डाउन करता हूँ दूसरा जो इसका टीममेट होता है ना पता नहीं किधर कल्टी मार जाता है इधर मैं उसको ढूंढ रहा होता हूँ कि भाई ऊपर की साइड से एक और बंदा आ जाता है इस बंदे को इधर मैं नॉक फिनिश करता हूं अब मैं इवेंट से निकलने वाला होता हूँ कि मुझे भाई राइट साइड से हल्का सा फुटस्टेप आता है

इसके बाद आप लोगों ने इस वाली जगह पे आ जाना ने ये वाला फ्लोर सर्वाइव कर लिया ना मतलब अपनी टीम के साथ तो ऐसे ही समझो आप लोगों ने पूरे का पूरा टेंपल सर्वाइव कर दिया है आप लोगों ने ये वाली जगह क्लियर करनी है एंड फौरन से अंदर की साइड पे आ जाना है क्योंकि यार अगर आप लोग बाहर की साइड पे रहोगे ना तो जो लोग टावर पे चढ़े हैं वो आपको डैमेज देंगे अब इस वाली जगह पे आने के बाद ना जो भी बंदे आपके नीचे होंगे ना आपके पास एकदम क्लियर एंगल होगा आप लोग उनको आराम से मार सकते हो खैर बाहर की साइड पे मुझे एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं इस बंदे को मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ एंड टावर वाले बंदों से बचते बचते मैं कवर में आ जाता हूँ एंड जितने भी लोग लो एंड डिवाइस वाले हैं ना मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप लोग लिविक खेलना लिविक में मैंने नोट किया इतने ज़्यादा बंदे इवेंट पे नहीं आते हैं बट इरागल में तो भाई एकदम बक्सर मची हुई होती है हर तरफ तो बंदे ही बंदे होते हैं तो काफी ज्यादा लैग होने वाला है तो कोशिश करना यार जिनके पास लो एंड डिवाइस है वो लोग लेव खेला करो आराम से खैर बज भी जाके मैं अंदर की साइड पे आ जाता हूँ एंड देखो यार अगर आप लोग के पास हाइट है ना तो नीचे वाले बंदों को आप लोग इजीली किल्स कर सकते हो जैसे कि यार ये वाला बंदा देखो यार कितने आराम से बैठा हुआ होता है एंड इस बंदे को मैं आराम से यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ आप लोगों ने कोशिश करनी है इस इवेंट पे जब भी आपकी फ़ाइट होना आपके पास हाइट होनी चाहिए तो ये बंदा भी आराम से कवर में बैठा होता है बट इसकी कोपड़ी मुझे नज़र आ रही होती है एंड मैं पकड़ के इसकी कोपड़ी यहाँ पे फोड़ देता हूँ खराब बार यार रिकॉल का बताने की तो देखो यार ये होता है इवेंट के बिल्कुल टेम्पल के मिड में आपको ये वाला मिलेगा इधर से आप लोग को दूसरा ऑटो रिकॉल मिलेगा तो ये जो भी मतलब इवेंट सर्वाइव करेगा टेम्पल सर्वाइव करेगा तो वो आराम से ले सकता है तो आप लोग देख सकते हो मेरे नाम के आगे दो रिकॉल यहाँ पर आ चुके हैं इसके बाद ये वो जगह है जिससे आप लोग दोबारा से हाइट पकड़ सकते हो मतलब यार अगर आपके ऊपर एक स्कॉट कैंप है टेंशन की कोई बात नहीं आप लोगों ने इधर से पानी के ऊपर जाना है एंड दोबारा से आप लोगों ने हाइट पे आ जाना है तो मेरे हिसाब से काफ़ी मज़ा आने वाला है इस टेम्पल की फाइट का टेम्पल की फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करेगी बस यार ये जो टावर पे बंदे हैं ना ये अगर तंग ना करें खैर कर नीचे की साइड पे मेरा बंदा होता है एंड मुझे इस बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन आप पता चल चुकी है तो चलो यार इस बंदे को निपटाते हैं जल्दी से अब इस बंदे को मारने के बाद टेम्पल होता है एकदम क्लियर अब यार है टावर वाले बंदे की जो कि पीछे से मुझे दो दफा नॉक करने वाला था तो चलो यार इस बंदे से भी अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं इधर मैं लैंड करता हूँ बंदे के फुटस्टेप आते हैं अब इस बंदे को मैं यहाँ पे इजीली डाउन करता हूँ एंड यार मैं इस चीज में श्योर नहीं हूँ कि ये वाला इवेंट मतलब डूबता है या नहीं डूबता तो अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके बता देना कैर इसके बाद यहाँ पे पता नहीं कुछ इक्विप होता है तो मैं यार सोचता हूँ कि शायद से दोबारा इवेंट डूबने वाला है तो फौरन से यहाँ से मैं कल्टी मारने की सोचता हूँ एंड बाइल की साइड पर आ जाता हूँ इस इवेंट में हमें एक न्यू किस्म की व्हीकल देखने को मिलती है एंड इसको क्या नाम दें इसको हम लोग अपनी ज़बान में तैरने वाली चिड़िया तैरने वाली चिड़िया नाम देते हैं अपनी तैरने वाली चिड़िया लेके मैं मिडसन में आ जाता हूँ एंड नीचे से मुझे एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं तो चलिए यार जल्दी से इसको पकड़ते हैं अब इस बंदे को मैं नॉक फिनिश करता हूँ साथ ही मुझे पीछे की साइड से ए के के फायर सुनाई देते हैं जैसे इस बंदे को मैं नॉक फिनिश करता हूँ ना सामने की साइड पे दो बंदे लैंड करते हैं एक बंदे को मैं नॉक फिनिश डालता हूँ बचा इसका एक ही टीममेट तो चलो यार इसको भी निपटाते हैं बाद में हो ना ना पी नाइनटी तो बंदे के अंदर एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आ जाता है इस बंदे को भी यहाँ पर मैं आराम से फिनिश कर देता हूँ इसके बाद मैं अपनी उड़ने वाली चिड़िया लेके निकलता हूँ एंड सामने की साइड पर मुझे दो बंदे स्पॉट होते हैं अब इन बंदों को मारने के बाद बढ़ते हैं आगे की साइड पे एंड राइट साइड पे मुझे एक बंदा नजर आता है अब इस बंदे को मैं करता नॉक फिनिश बढ़ते हैं आगे की साइड पे इस वाले गाड़ी के ऊपर से मैं गुजर ही रहा होता हूँ की मुझे दोबारा से पुटना पड़ता है एंड इस गाड़ी में भी एक बंदा होता है इस बंदे को भी यहाँ पे मैं इजीली डाउन करता हूँ अपने आप को हील वगैरह करता हूँ गन्स को रिलोड करता हूँ इतने में मुझे सामने से आवाज आती है कि भाई कोई और भी उड़ने वाली चिड़िया पे आया है ये बंदा सामने आता है इस बंदे को यहाँ पे मैं डाउन करता हूँ चिड़िया पकड़ता हूँ एंड साथ ही इस बंदे को फिनिश करने के लिए निकल पड़ता हूँ अब जैसे मैं इस बंदे को फिनिश करने आता हूँ ना सामने मुझे इसका एक टीम नजर आता है तो फौरन से मैं पत्थर का कवर लेता हूँ एंड इसका टीम एकदम ओपन में होता है तो ईजिली इस बंदे को मैं मार देता हूँ अब बचा सिर्फ एक ही बंदा इस बंदे को मैं काफी ज़्यादा ढूंढता हूँ फाइनली यार ये बंदा मुझ पर फायर करता है तो मुझे इसकी लोकेशन पता चल जाती है